तो सवाल उठता है लैंड यूज क्या होता है। सिंपल सी बात यह है, जैसा कि नाम बता रहा है वैसे ही काम है। लैंड यूज मतलब होता है कि आप किसी लैंड को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उसी को हम लैंड यूज कहते हैं। अब अलग अलग लैंड को आप अलग अलग यूज करते हो ना, तो वही वही बता रहा है। जैसे किसी लैंड को आप एग्रीकल्चरल यूज के लिए करोगे, किसी के लिए आप फॉरेस्ट्री को यूज करोगे। फॉरेस्ट्री मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट्री मतलब जब हम जंगलों के प्रोडक्ट्स को, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं वहां से, उसको हम फॉरेस्ट्री कहते हैं। तीसरा माइनिंग, चौथा रेसिडेंशियल एरियाज, पांचवा इंडस्ट्रीज, छठा रोड नेटवर्क। अगर आप ये कहो कि इनमें से केवल एक चीज की इंपॉर्टेंस है, हम पूरे लैंड में उसी का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वहां पर हम गलत हो जाएंगे। अगर माइनिंग नहीं होगी तो मिनरल्स नहीं मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो आप और हमारी जिंदगी में जो अक्सर हम हर दिन में यूज कर रही चीजें हैं वो हमारे को प्राप्त नहीं होंगी। अगर हम केवल फॉरेस्ट्री करेंगे तो फॉरेस्ट्री से क्या होगा, सारे जंगल खत्म हो जाएंगे और हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा हम इंडस्ट्रीज केवल नहीं बिछा सकते पूरी धरती पे, क्योंकि अगर हमने इंडस्ट्रीज बिछा दी सारी की सारी जगहों पर तो उससे बहुत सारा पॉपुलेशन, मतलब बहुत सारा पॉल्यूशन होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। वैसे ही हम पूरी जगह एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। अगर आप हर जगह खेती करोगे तो फिर आप ऑफिसेज कहाँ बनाओगे, इंडस्ट्रीज कहाँ बनाओगे। कुल मिला के हर लैंड का अपना एक स्पेसिफिक यूज होता है, उसी को हम लैंड यूज कहते हैं। सवाल उठता है इस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं, मजा आ रहा है या एनसीईआरटी में दे रखा है? वेल, एनसीईआरटी में दे रखा है, कुछ सोच समझ के दे रखा है। कैसे? सिंपल सी बात है भाई, देखो हर देश में अलग अलग तरीके, मतलब हर देश में ऑलमोस्ट सारी चीजें होती हैं, बट किसी देश में हम किसी पे ज्यादा फोकस करते हैं, किसी पे कम करते हैं। मगर कुछ ऐसे देश होते हैं जहां पर बैलेंस्ड अप्रोच होती है, सारे लैंड के यूजेस किए जाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल यूएसए है। यूएसए में ना एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत लैंड है, रेसिडेंशियल एरियाज के लिए भी बहुत लैंड है, सब कुछ मिला के उनके पास पूरा बैलेंस्ड अप्रोच वो फॉलो करते हैं। बट किसी किसी देश में इंडस्ट्रीज का उतना बोलबाला नहीं है, किसी किसी देश में जंगल है ही नहीं, तो वो आप फॉरेस्ट्री करोगे कैसे? कुल मिला के हर देश का अपना लैंड यूज का अलग सा पैटर्न है। सवाल उठता है कि ये जो रोड नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज के लिए यूज हो रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज के लिए यूज हो रहा है, माइनिंग के लिए यूज हो रहा है, या फॉर दैट मैटर बाकी दो पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है, ये डिसाइड कैसे करते हैं कि हमें कौन सी चीज कहां पर, मतलब किस तरीके से लैंड का यूज करना है?